हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति और नयनतारा की अपकमिंग मूवी जवान के ट्रेलर को लेकर। यस फ्रेंड्स, जवान का टीजर नहीं बल्कि अब डायरेक्ट ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा था किस तरह पठान की बार पहले टीजर आया था, फिर सॉन्ग्स आए थे, फिर ट्रेलर आया था। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउस जिसके अंडर जवान मूवी बन रही है, ये शाहरुख खान का अपना है, तो इसमें शाहरुख खान अपनी मर्जी की प्रमोशन और अपनी मर्जी की स्ट्रेटजी रखेंगे। और उनका ये स्ट्रेटजी है कि वो डायरेक्ट आपको ट्रेलर दिखाएंगे पहले। तो फ्रेंड्स, जवान का ट्रेलर आपको यूट्यूब पे 7th और 8th जुलाई को देखने को मिल सकता है। कन्फर्म डेट आपको रेड चिलीज वाले कल तक शायद कर दें। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि 8th जुलाई की डेट सामने आए। लेकिन यहाँ पर पिक्चर ख़त्म नहीं होगी। 12th जुलाई को जब टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल आनी है, वो उसके साथ जवान का ट्रेलर आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ठीक बैठी तो आपको फौरन के काफ़ी कंट्रीज में भी जवान का ट्रेलर रिलीज होते दिखाई देगा। यानी हम सब अनुमान लगा रहे थे कंप्लीट पैन इंडिया मूवी होगी। ये पैन इंडिया मूवी नहीं, ये पैन वर्ल्ड मूवी की तरफ अब जा रहा है। फ्रेंड, मुझे पर्सनली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी है कि फिल्म की रिलीज से सीधा 2 महीने पहले उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जवान एक सेलिब्रेशन मूवी होने वाली है। इसका लास्ट पूरा मंथ तो प्रमोशन ही प्रमोशन होना है। अगर सोर्सेज की मानी जाए तो जवान मूवी का एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 days पहले खुल सकता है। हमने देखा बाकी बड़ी से बड़ी मूवीज़ का एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 4 या 5 days मैक्स पहले खुलता है, लेकिन जवान मूवीज़ का आपको 8 से 10 days पहले से एडवांस बुकिंग खुलता दिखाई देगा। पूरा देश इस वक्त शाहरुख खान को जवान वाले अवतार में देखने के लिए बेताब है। तो फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर दूं कि जवान का ट्रेलर आपको 8th जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। 7th जुलाई को भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 8th जुलाई को हैं। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नेटफ्लिक्स वाले कल तक कर देंगे। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।